अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम हमें देख रहे होंगे कि हम लोग स्कीमो गर्ल्स और स्कीमो मैंस क्यों बने हुए हैं, तो ये बताएंगे आपको हसन, क्योंकि हम जहाँ पे आए हैं वो आउटडोर है और आज बहुत शदीद सर्दी है, तो जिसकी वजह से हम लोग को अपने आप को कवर करके आना पड़ा है। और अब हम कहाँ पे हैं ये आपको हसन कवर करना सिर्फ ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि हादिया के स्कूल में आज फुटबॉल गेम थी। फुटबॉल वो नहीं जिसको मतलब हम लोग फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल वो जो अमेरिकन फुटबॉल या रग्बी जिसको कहते हैं, तो उसके स्कूल की एक बड़ी गेम थी। तो उसने कहा कि हमारे स्कूल में मतलब उन्होंने ये कहा है कि हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम पेरेंट्स आएँ। तो अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें दूसरे स्कूल की भी बसें भरी की भरी बसें नज़र आई हैं, तो फिर हमें आइडिया हुआ कि वाकई हम लोगों को भी अपने जो है वो ISD को सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम को तो यहाँ आने की ज़रूरत थी। तो हम लोग पहुँच गए अब यहाँ पे और हमारी तरह और बहुत से लोग हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे पार्किंग सारी फुल है और हम लोग थोड़ा लेट हैं। कीमो थीम जो तैयबा बता रही है वो स्कूल की तरफ से है और इस वक्त फुल जैम पैक है सारा माहौल यहाँ का। तो अब फर्स्ट टाइम हम लोगों का भी ये फर्स्ट टाइम है फुटबॉल गेम के लिए, जिसको हम तो रग्बी कहते हैं लेकिन अमेरिकन लोग इसको फुटबॉल बोलते हैं। हमने कहा हम भी इंजॉय करते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ रग्बी कैसे खेली जाती है, क्योंकि आपस की बात है, मैं खुद फर्स्ट टाइम देखने आई हूँ। हानिया आपका फर्स्ट टाइम है फुटबॉल गेम में, तो आर यू एक्साइटेड? और आप अपने जो है वो सिटी को सपोर्ट कर रही हो? नहीं जी, हम लोग यहाँ स्टेडियम में पहुँच गए हैं, तो ये स्टेडियम है हादिया के स्कूल का और ये इनके जो है वो ISD का जो साइन है ये कार्डिनल। नहीं जी, स्टेडियम में एंट्री हो गई है, गेम भी स्टार्ट हो गई है। ब्लैक वाली वो है मलिसा। एवर फॉर व्हाइट एंड ब्लैक ये 8-1 फॉर टीम फॉर लेजर फ्रॉम दैट स्पॉट। ये साइड मलिसा वो दूसरी टीम को खुली जगह पे आके तैयबा को ठंड लगने लग गई है, तो क्या तासुर है? तो ठंड है तो नहीं लगेगी, मेरे तो कानों में इतने बड़े बड़े वो कान पहन के भी मैं फ्रीज हो रही हूँ। चलो, मौसम 3-4 दिन से काफी बदला हुआ है तो उस वजह से जो है वो फुल जो है वो क्या कहते हैं बंदोबस्त करके तो फिर सब आए। स्टेडियम का जायजा लें तो ये एक कॉलेज स्कूल लेवल का स्टेडियम है, लेकिन इसकी ग्राउंड और इसका स्टेडियम सिटिंग कैपेसिटी लिस्सा इस वक्त डाउन चल रहा है 7-0 से, होम इस वक्त 0 और गेस्ट के 7।
छू है जी। तो एक ट्रेजेडी ये हुई कि हम जिस स्टैंड में घुसे हैं वो लव जॉइस का था, जो कि ओपोनेंट, जिनका ओपोनेंट हम लोग खेल रहे हैं। तो अब हम लोगों को उन्होंने वापस बाहर भेजा है, मतलब वो उन्होंने ये कहा है कि आप जो है वो स्टैंड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने स्पेशली उनसे फिर रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उन्होंने हमें ये अलाउ किया कि आप दूसरी तरफ चले जाएँ। तो जो आपका सिटी आप उसको फिर वहाँ से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हसन गलत सपोर्ट करने बैठे हुए थे। जिस वे तैयार इधर से तैयार तू प्लेयर है, तो अपने आप को प्लेयर समझ के तो इधर से घुसना चाह रही है कि मैं अंदर जाऊं। ये है तमाम, आप देखेंगे एक स्कूल लेवल की गेम का अहतमाम है सारा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को इसी तरह प्रमोट किया जाता है। हमारे तो वहाँ पे जितने भी ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर कब्जे करके तो कॉलोनियाँ बना दी गई हैं गैर कानूनी, और सपोर्ट करने वाले सारे मुलाजिम सरकारी और सियासतदान, अपनी बदमाशी है ना हर किसी की वहाँ, वही सियासतदान और जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस और जो है ये क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो एक बार मजा आता है स्टेडियम को देखने के बाद, एंट्रेंस और उसका सारा माहौल एवरीथिंग। नहीं जी, ये अब हम लोग होम साइड पे आ गए हैं, ये सामने जो है वो गेस्ट साइड है और यहाँ की रौनक आपको इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मिलेगी कि यहाँ लोकल सारे जो है वो ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। सही बात, और बच्चों को कुछ भूख लगी थी तो ना। जी अब ये जो है ये होम साइड की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने लगी है और इनकी तैयारी जो है वो काफी तगड़ी लग रही है। Ladies and gentlemen, from the heart of North Texas, deep in Cardinal Nation,
We welcome you to the continuation of tonight's halftime entertainment. Melissa High School is proud to present the 2023 Melissa High School award-winning Mighty Cardinal Marching Band. सर्दी में ये हालत देख लें, फुल पैक हुए हुए हैं यहाँ पे। मेरा बुद्धि वाला कई बार को शर्म आ रही है। परफॉर्मेंस के बाद अब दोबारा गेम शुरू होने लगी है। अभी तो बराबर हो गया दोनों। Go, 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 go.
5. Going back! He's going back! He had number 5 wide open middle of the field. Oh my God, you gotta go through. टीम ने जो पिछले 15 मिनट है उसमें बहुत परेशान किया हुआ है yes! और बड़े बड़े मुंह वाले मुंह देखे इनका, मेरा तो मुंह ही छुप गया. आपके सेलिब्रेशन देख लें. तुम खेल सकती हो तेरा लड़ाई लड़नी है इसमें. तुम खेल लोगी. मैं फिर बॉल ही कसूर मारूंगी. ये लड़ाई का कुछ नहीं ज्यादा है. अगर इतना बच्चा हो तो लगा क्या. गेम ऑलमोस्ट एंड होने वाली है. आखिरी आधा मिनट रह गया और होम टीम जो है जो सैडली मतलब हम लोग जो है वो हार गए हैं. ये पीछे आप देख लें 28 उनके 28 और हम सिर्फ 7 से आगे नहीं जा सके. तो महिमा को आज शर्म आ रही है. फाइन बहुत ज़्यादा है. दोनों टीमें मिल रही है. और ये फाइनल स्कोर. इतनी ठंड में हालतें देखें हम लोगों की. इन्हें कहा था कि चलते हैं घर, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं उसको, इनको गेम का चस्का लगा हुआ था और बदकिस्मती से आज जो है वो बड़ी बुरी तरह हार गए हैं. देखेंगे इनको पहचानेंगे कौन है. और बहुत बुरा हाल है ठंड से. गेम लेकिन काफ़ी इंजॉय किया. फर्स्ट टाइम था हमारा और वाकई देख के लगा कि वाकई यहाँ पे स्पोर्ट्स को जिस तरह प्रमोट किया जाता है. ये एक स्कूल लेवल की गेम थी लेकिन कहीं भी देख के नहीं लगा कि स्कूल लेवल की गेम है. और उसमें जिस तरह का क्या कहते हैं उसको उन्होंने माहौल बनाया हुआ था. स्टेडियम की हालत आपने देखी और फिर उसके अलावा परफॉर्मेंसेज, उसकी बैंड्स और हर चीज़ की तैयारी. ऑलमोस्ट ये गेम जो है ना जो मैंने अभी समझी है, 4 इसके क्वार्टर्स होते हैं 12-12 मिनट के. लेकिन गेम जो है वो बीच में रुक रुक के चलती है. तो वो उस रुकने की वजह से ये तकरीबन 48 मिनट की गेम तकरीबन 2 से 2.25 घंटे पर जाती है. और गेम ख़त्म हो गई. ये बैंड के लोग जो है वो बच्चे अब घर जा रहे हैं और हम लोग भी जो है वो उदास वापस जा रहे हैं. पहली बार आए थे देखने के लिए और पहली बार में मुझे बता रहे हैं बच्चे कि हमेशा मलिसा ISD विन करता है और आज ही जो है वो पहली दफ़ा जो है वो लूज़ कर गया. यहाँ पे जो है वो बच्चों को अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ये लव जो है वो ऐसी उन्होंने 1, 2, 3 बसेज जो है वो स्कूल की आई हुई है और उसके अलावा 2-3 बसेज इसके अलावा भी थी जो दूसरी लॉट पे खड़ी हुई थी. तो यहाँ पे जो है वो स्कूल ट्रांसपोर्ट देता है जो बच्चे जिनके मतलब क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि यहाँ से डिस्टेंस पे है ये वाला जो है वो लव जो ISD. इन्हें अब कॉफ़ी चाहिए. क्या चाहिए? कॉफ़ी. मेरे बहुत ठंड लग रही. इन्हें कॉफ़ी चाहिए और मुझे जो है वो आराम चाहिए. इन्हें मैकडोनल्ड चाहिए. क्या चाहिए? हर एक को लहदा लहदा चाहिए. तभी तुम्हें मैकडोनल्ड की कॉफ़ी चलेगी. चलो जी मैकडोनल्ड. स्टारबक्स तो वैसे भी बंद हो गया होगा. तो चाय पीनी है कॉफ़ी पीनी है. चलें जी ठीक है फिर घर चल के चाय बनाते हैं. इनको रास्ते में पहले मैकडोनल्ड ले देते हैं 2 बच्चों को. तो घर हम लोग आ गए और जो है वो गेम का रिजल्ट तो आपको पता चल गया है कि वो हार गई. ये शक्लें आपको हारी हुई नजर आ रही होंगी. मैं तो नहीं हारी. मैंने क्यों हारना.
तो होम टीम जो है वो आज बेचारी मुकाबला नहीं कर सकी गेस्ट का, उन्होंने गेस्ट का ख्याल रखा और उनको जीतने दिया, ऐसा ही है पता नहीं। तो ये है कि फन था, बड़ा मज़ा आया, और लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी तो हमें भी मज़ा आया वैसे। उनका इंतज़ाम सारा और स्टेडियम के हालात देख के बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा ये चीज़ देख के। और जो हमारी कुल्फी जमी वो तो आपने देखी होगी क्या हालत हुई थी। बोले वेलकम है आपका, कैसे कहती हो आप? अब जब बैंड का टाइम हो गया तो तुझे वेलकम कह रहे हो। आपको मजा आया बताओ बॉल देख के? ऐसे नहीं आराम से खड़ो के बात करते हैं ना, बताओ मजा आया? को होप करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओ माय बेबी, तो आपको दिखाने के अच्छे मकसद ये थे कि जहाँ मैंने जाना था मैंने कहा चलो मैंने एक चीज़ खुद फर्स्ट टाइम देखनी है तो आपको भी साथ ज़रूर रखा जाए क्योंकि अब आप मेरी लाइक फैमिली हैं और मैं जहाँ तक आई हूँ आप लोगों की बदौलत ही आई हूँ। तो होप करती हूँ आपको हमारा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा और मैं इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम फुल ठंड में गरम गरम चाय का इंजॉय कर रही हूँ और इंशाल्लाह कल से फिर जॉब और स्कूल है और लास्ट डे है और फिर उसके बाद वीकेंड लाइक बच्चों की तरह मामा वीकेंड ये। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर किसी दिन किसी और जगह मुलाकात होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।